जय श्री केदार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में डिवाइन स्टोरी चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो धाम के पैकेज के बारे में जानकारी दूंगा। अगर आप केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा करना चाहते हैं कम बजट में और एक लग्जरी बजट में, तो दोनों ऑप्शन इस आइटनरी में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। बजट टूर के भी बारे में जानकारी दूंगा कि कम बजट में अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे, कितने चार्ज इसके लिए आपके लगेंगे, और अगर आप इसको डिलक्स कैटेगरी और लग्जरी में करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चार्जेस लगेंगे, ये सारी जानकारी मिलेंगी इस वीडियो में। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नया आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम बाबा केदारनाथ और बाबा भोले के तीर्थों संबंधित जानकारियाँ अपडेट करते रहते हैं। दोस्तों ये आइटनरी जो है मैं आप लोगों के साथ देवस्थान एक्सपर्ट ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से शेयर कर रहा हूँ, और ये एक रिलीजियस ट्रैवल कंपनी है, वेल नोन कंपनी है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छे टूर पैकेजेस इस कंपनी द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आइए इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। अगर आप भी दो धाम यात्रा करना चाहते हैं तो कैसे आप इस पैकेज को ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पैकेज है ये हरिद्वार टू हरिद्वार भी है और ऋषिकेश टू ऋषिकेश, और अगर आप देहरादून एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो देहरादून से भी हम पिक एंड ड्रॉप इस पैकेज में आपको देते हैं। और जो टोटल समय है वो इस यात्रा में 4 नाइट और 5 डे रहने वाले हैं, और आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। दोस्तों इसमें हम केदारनाथ और बद्रीनाथ दो मेन टेंपल कवर करते हैं, और साथ में हम चोपता भी कवर करते हैं। अगर आप तुंगनाथ ट्रैक करना चाहते हैं तो आप तुंगनाथ भी ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ब्रीफ आइटनरी है, आप इसको भी वीडियो को पुश करके रीड कर सकते हैं। और इस टूर जो टूर की ड्यूरेशन है ये 4 नाइट 5 डेज का रहेगा। इसमें मैक्स एल्टीट्यूड जो है वो 3553 मीटर्स का रहने वाला है, जो कि केदारनाथ का हाई एल्टीट्यूड है। और दोस्तों अगर आप ग्रुप टूर से इस यात्रा को करना चाहते हैं, कम बजट में इस यात्रा को करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये ट्रिप डेट्स हैं। इन डेट के अकॉर्डिंग भी आप अपना प्लान शेड्यूल कर सकते हैं, तो आप कम बजट में जो है यात्रा को कर पाएंगे। इसमें हम आप लोगों को 15 से 20 यात्रियों का ग्रुप रहता है, और निर्भर करता है ग्रुप साइज पर, उसी के अकॉर्डिंग आपको गाड़ियाँ प्रोवाइड की जाती हैं। ये इकोनॉमी टूर है, इसमें आप दो धाम की यात्रा जो है 7,000 पर पर्सन से कर सकते हैं। 7,000 पर पर्सन से आप केदारनाथ बद्रीनाथ चोपता कवर कर सकते हैं। इसमें आपको ब्रेकफास्ट और डिनर उपलब्ध किया जाएगा, और शेयरिंग बस और शेयरिंग रूम्स इसमें आपको मिलते हैं। दोस्तों इन डेट के अकॉर्डिंग भी आप अपना ये पैकेज डिसाइड कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इसकी आइटनरी के बारे में। इसमें मैं आपको फर्स्ट डे से आइटनरी डिस्क्राइब कर देता हूं। तो दोस्तों पहले दिन आप हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचेंगे, वहां से आप चलेंगे गुप्तकाशी के लिए। तो ये जर्नी आपकी जो है हरिद्वार ऋषिकेश या देहरादून से स्टार्ट हो जाती है, और पहले दिन आप पहुँचते हैं गुप्तकाशी तक। इसकी जो टोटल डिस्टेंस है दोस्तों वो 206 किलोमीटर रहती है, और 7 से 8 घंटे में आप हरिद्वार ऋषिकेश या देहरादून से गुप्तकाशी फाटा तक पहुंच जाते हैं, वहीं आपका स्टे रहता है। और जो आपकी फर्स्ट डे की डिस्टेंस है वो 206 किलोमीटर रहते हैं, इसमें आपके 7 से 8 घंटे लग जाते हैं दोस्तों। और इसमें शाम के समय आपको डिनर प्रोवाइड किया जाता है गुप्तकाशी या फाटा होटल्स के अंदर। तो दोस्तों हमारा जो ब्रेकफास्ट और डिनर है वो जिस कैटेगरी के आप होटल सेलेक्ट कर रहे हैं, और जो भी होटल्स आपके फाइनल होंगे उन्हीं होटल्स में आपको ब्रेकफास्ट और डिनर मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं डे सेकंड की। डे सेकंड दोस्तों गुप्तकाशी से आपका केदारनाथ रहने वाला है। इसमें आप सुबह गुप्तकाशी या फाटा से जा सकते हैं सोनप्रयाग गौरीकुंड के लिए, और वहाँ से अपना पैदल ट्रैक स्टार्ट करके ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहता है और अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं
तो आप सेम डे दर्शन करके भी वापस आ सकते हैं या हेलीकॉप्टर से जाके शाम को वहाँ स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे भी आप पहुँचेंगे शाम तक आप केदारनाथ पहुँच जाएंगे और रात के समय आपको केदारनाथ में स्टे मिलेगा और ये आपके पैकेज के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि जिस भी कैटेगरी का आप पैकेज लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका अकोमोडेशन इस पैकेज में मिलता है। तो दोस्तों जो सेकंड डे का आपकी जो ड्यूरेशन है वो इसमें 45 किलोमीटर काउंट होती है, 45 किलोमीटर आपको जाना होता है और उसके बाद 16 किलोमीटर का आप पैदल ट्रैक करके केदारनाथ पहुंचते हैं। इसमें भी आपके 7 से 8 घंटे आसानी से लग जाते हैं और शाम तक आप ऊपर केदारनाथ में पहुँचते हैं। और दोस्तों इसमें हम आपको सुबह जब आप गुप्तकाशी फाटा से चलेंगे तब वहाँ आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। केदारनाथ में किसी भी पैकेज में जो है फूड प्रोवाइड नहीं किया जाता और सिर्फ आपको नीचे ही फूड मिलेगा। ब्रेकफास्ट के बाद आप शाम को केदारनाथ में अपने जो है खर्च से वहाँ डिनर लेंगे। और अब बात कर लेते हैं डे 3 की। दोस्तों डे 3 में केदारनाथ से आप गुप्तकाशी फाटा जो है रिटर्न करेंगे। सुबह आप बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं जिसके लिए 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक रहता है और वापस आप गौरीकुंड पहुंचेंगे। गौरीकुंड से आप शेयरिंग टैक्सी से वापस गुप्तकाशी फाटा पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये डिस्टेंस आपकी जो है फिर से 45 किलोमीटर की रहने वाली है और 16 किलोमीटर का आपको वापस से ट्रैक करके नीचे आना है। 7 से 8 घंटे इस दिन भी आपके लगने वाले हैं और हमारी तरफ से जो डिनर है वो नीचे आके आपको गुप्तकाशी फाटा में दिया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं डे 4 की। डे 4 में दोस्तों हम आपको गुप्तकाशी फाटा से बद्रीनाथ की तरफ लेके जाते हैं। इसमें आपका जो समय है वो लगभग 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। 198 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है। इसमें भी हम आपको ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों उपलब्ध कराएंगे। सिर्फ केदारनाथ जी में फूड नहीं है, बद्रीनाथ जी में हम आपको फूड उपलब्ध कराते हैं। ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों ही रहने वाले हैं इस दिन भी आपके। और अब डे 5 की बात कर लेते हैं। डे 5 में हम आपको रिटर्न बद्रीनाथ से हरिद्वार की तरफ लेके आते हैं। इसमें हम आपको माना कवर कराते हैं। माना से आप रिटर्न करेंगे हरिद्वार ऋषिकेश के लिए। रास्ते में पंचप्रयाग आते हैं, ये पंचप्रयाग आपके इस पैकेज में कवर हो जाते हैं। तो दोस्तों इस अकॉर्डिंग जो है आपका ये 5 डे में आप रिटर्न हरिद्वार पहुंच जाते हैं। तो ये 4 नाइट 5 डे का पैकेज है जो आज मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया और इसमें ब्रेकफास्ट और डिनर 5th डे में आपको रहने वाला है। टोटल ड्यूरेशन 310 किलोमीटर की है। बद्रीनाथ से आप रिटर्न आएंगे तो ये 310 किलोमीटर का डिस्टेंस 12 से 13 घंटे में आप आसानी से इसको कर लेते हैं। और ये होटल कैटेगरी आप देख सकते हैं और होटल नेम ये डिस्प्ले है। अगर आप 4 नाइट के लिए डिलक्स होटल सर्च करते हैं और अगर आप 4 नाइट के लिए डिलक्स पैकेज लेते हैं तो इसमें आपको डे 1st में जो होटल है वो होटल केदार वैली, डे 2nd में आपको जेमविन टेंट और डॉर्मेट्री, ये डिलक्स पैकेज का है। और ये आप देख लीजिए लग्जरी पैकेज के होटल्स हैं। लग्जरी पैकेज में हम आपको इन होटल्स में स्टे देंगे और जो कि डबल और ट्रिपल शेयरिंग बेसिस पे रहती है। और ये आप देख सकते हैं होटल स्टे प्रीमियम पैकेज, ये आपके लिए होटल्स प्रीमियम कैटेगरी में रहने वाले हैं। और दोस्तों और अब बात कर लेते हैं फाइनलिस्टिप के प्राइस के बारे में। दोस्तों इसकी जो ये प्राइस टेबल आप देख रहे हैं इसको मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। पैक्स में जो है ये यात्री की संख्या है, जितने यात्री रहेंगे उसके अकॉर्डिंग ये प्राइस टेबल है। और कैब में ये देखिए दोस्तों जितने यात्री रहेंगे अकॉर्डिंग उनकी वो गाड़ियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। रूम्स में उनको उतने ही रूम मिलेंगे। और स्टैंडर्ड, डिलक्स, लग्जरी, प्रीमियम ये 4 कैटेगरी हैं जिन कैटेगरी में आप ये टूर पैकेज ले सकते हैं। जो ये टूर का मिनिमम प्राइस है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, वो 12 यात्री के लिए 6 रूम हम देते हैं। 10,900 रुपये में आपको स्टैंडर्ड पैकेज मिल जाता है, 13,100 रुपये में आपको डिलक्स पैकेज मिल जाता है, 16,100 रुपये में आपको
लग्जरी पैकेज मिल जाता है और 21,100 रुपये में आपको जो है प्रीमियम पैकेज मिल जाता है दोस्तों। और इस अकॉर्डिंग अगर आप 4 यात्री हैं और आप डिज़ायर से ट्रिप करना चाहते हैं तो 2 रूम आपको मिलेंगे, 14,400 रुपये पर पर्सन का कॉस्ट आएगा। डिलक्स में करना चाहते हैं 17,400, लग्जरी में 20,400 और प्रीमियम में 24,400। तो ये प्राइजेस हैं दोस्तों। अगर आप 2 यात्री हैं पर्सनल डिज़ायर से टूर करेंगे तो 1 रूम मिलेगा, स्टैंडर्ड जो पैकेज है वो 19,400 का रहने वाला है, डिलक्स 22,400 का, लग्जरी 24,400 और प्रीमियम 21,400। इस अकॉर्डिंग जो है दोस्तों आपको ये प्राइवेट टूर के प्राइजेज यहाँ इस टेबल में मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ आप इस आइटनरी में सारी टर्म कंडीशंस को रीड कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर बुकिंग रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन आपको इस आइटनरी में मिल जाएंगी। और इस आइटनरी को अगर आप व्हाट्सएप पे लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हेलो हाय लिखेंगे तो ये आपको व्हाट्सएप चैटबॉट रिप्लाई करेगा। और यहाँ से आप जो है जिस भी धाम की आइटनरी चाहें वो डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ दोस्तों ये अकाउंट डिटेल्स हैं, इन अकाउंट्स में आप पेमेंट करा के इन टूर्स को जो है बुक करा सकते हैं। और बुकिंग से पहले आप सारे टर्म्स कंडीशंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं, काफ़ी डिटेल इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको हर तरह की जानकारी यहाँ इस इन्फॉर्मेशन सेक्शन में मिल जाएगी दोस्तों। और उम्मीद है आपको ये यात्रा पैकेज जो मैंने शेयर किए आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो बुक कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए बेस्ट पैकेज उपलब्ध कराते हैं। और दोस्तों जल्द से जल्द अपनी बुकिंग्स करा लीजिएगा क्योंकि मई जून के लिए जो स्लॉट्स हैं वो फुल होते जा रहे हैं। और इसलिए अगर आप भी एक प्लान्ड यात्रा और एक आरामदायक यात्रा करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कंपनी के एग्जीक्यूटिव के साथ। ये कांटेक्ट नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पैकेज बुक करा सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करना। फिर मिलूँगा ऐसी किसी नई जानकारी नई वीडियो के साथ। मैं नवीन कुमार, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय बाबा केदार।